हमारे यहाँ पे 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आता है उसी के बारे में आज बात करेंगे, और कुछ लोग गलती करते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपके घर में या आपके पास में आप खुद रिपेयर करते हैं और नया नया रिपेयर करते हैं, तो आपको एक चीज का जानकारी नहीं रहता है उसके बारे में आज बात करता हूँ। रिपेयर तो आप कर लेते हैं लेकिन वो चीज आप नहीं करते हैं जिसके कारण ये जल्दी जल्दी खराब होता है, वो क्या चीज है आज मैं उसी के बारे में जानकारी देता हूँ। चलिए फटाफट जानकारी देते हैं कि क्या चीज इसमें आप गलती करते हैं या आप रिपेयर करते हैं तो गलती करते हैं, या आप कहीं भी रिपेयर करवाने जाते हैं तो आपको मालूम नहीं रहता है, वो जैसा रिपेयर करके देता है आप ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको फटाफट ओपन करते हैं और मैं बताता हूँ। देखिए इसको ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इसके ऊपर में प्लेट लगा रहता है एलईडी बल्ब का। तो दोस्तों जैसे ही आपका एलईडी बल्ब खराब हो गया तो आप क्या करते हैं उसको बदलवा लेते हैं। तो बदलवा लेते हैं या बदल लेते हैं तो इसको सिंपल सा आप क्या करते हैं, यहाँ से सोल्डरिंग आयरन से हटाकर इसको हटाकर और फिर आप दूसरा लगा लेते हैं, ऐसे ही दूसरा लगा लेते हैं और सोल्डरिंग किए और आप परसेक कैप लगा कर फिर आपका ये जलने लगता है या फटा देते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करना है आपको। इसके अंदर में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है, जैसा कि ये कंपनी लगा के देती। तो ये क्या चीज है आज मैं इसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि ये चीज है, ये हीटसिंग है। तो हीटसिंग कैसा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले दिखा देता हूँ। हीटसिंग कुछ इस प्रकार का रहता है जैसा कि आप ऊपर में लिखा हुआ देख रहे हैं हीटसिंग। तो ये एक पेस्ट है, ये पेस्ट क्या काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये पेस्ट जैसा कि इसके अंदर में पहले से लगा रहता है, उसमें तो लगा रहता है वो हटा दिए, लेकिन आप जब नया वाला लेकर लगाते हैं तो ये हीटसिंग पेस्ट इसके ऊपर में नहीं लगाते हो और डायरेक्ट आप सोल्डिंग करके और लगा देते हैं और कैप लगाकर ये जलने लगता है और हटा देते हैं। लेकिन हीटसिंग पेस्ट लगाने से क्या होता है ना कि ये ज़्यादा हीट होता है जलने के बाद में, तो हीटसिंग पेस्ट लगाने से ये जो हीट होता है उसको अपने अंदर खींचता है और ज़्यादा हीट नहीं होने देता है इसको प्लेट को। तो आपको क्या करना होगा, हीटिंग पेस्ट लेकर इसके ऊपर से बढ़िया से लगा लीजिएगा और यहाँ भी लगाकर फिर इसको दोनों वायर को रेड वाला को प्लस में और ब्लैक वाला को माइनस में लगाकर, और ये दोनों साइड लॉक देख रहे हैं ना, दोनों लॉक को बढ़िया से और बढ़िया से आपस में चपका कर और फिर सोल्डिंग करके इसको आप यूज कीजिएगा तो ये ज्यादा दिन तक चलेगा। अगर हीटिंग नहीं लगा रहे हैं तो फिर ज्यादा दिन चलेगा, 10-15 दिन में खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके एलईडी बल्ब में स्क्रूप हो तो स्क्रूप दोनों साइड से बढ़िया से कस लीजिएगा। कितने लोग होते हैं कि ये नहीं, सिंपल सा यहाँ पे कनेक्शन किया और हटा दिए, ये लगाते नहीं तो ऊपर में ही रह जाता है, तो ये गर्म होकर खराब हो जाता है। तो आपको ऐसा करना है, हीटिंग पेस्ट लगाना है बीच में साइड साइड से और अच्छा तरीका से दोनों साइड से चपका देना है, और फिर ये दोनों अच्छा तरीका से लॉक है तो इसको एकदम बढ़िया से यहाँ पे लॉक को लगा देना है जांच कर, और फिर दोनों साइड सोल्डिंग करके उसके बाद में आप यूज कीजिएगा तो ये बल्ब ज़्यादा दिन चलेगा। नहीं तो अगर आप हीटसिंग का यूज नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर हीट करके खराब हो जाएगा, फिर से आपको दूसरा प्लेट लगाना होगा। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आता है, कुछ लोग नहीं लगाते जिनको जानकारी नहीं है। तो मैं यही सोचा कि चलिए छोटा सा वीडियो बना लेता हूँ ताकि जो लोग नहीं जानते उनको जानकारी हो जाए, जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है। तो अगर मेरी बात से अगर मेरी बात मेरे वीडियो से आपको कोई जानकारी मिला तो आपका क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बाय।